हेलो स्टूडेंट्स, हम गैशियस स्टेट की स्टडी कंटिन्यू कर रहे थे। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में, इजंट इट? इफ यू रिमेम्बर, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc², जहां पर ये सी क्या था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। इसी से फिर हमने सी का एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था, इनफैक्ट थ्री एक्सप्रेशन कैलकुलेट किए थे, दैट इज 3 pv/m और 3 p/d और इट इज √3 rt/m। यस, देन वी हैड कैलकुलेटेड द काइनेटिक एनर्जी पर मोल एंड काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ये किया था, काइनेटिक एनर्जी पर मोल का एक्सप्रेशन आ गया था 3/2 rt एंड काइनेटिक एनर्जी पर मोल का एक्सप्रेशन आ गया था 3/2 kt, वेर के इज व्हाट, इट इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हम यहां पर बात क्या कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं गैस की काइनेटिक एनर्जी की, और उसमें एक हमने टर्म यूज किया है, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, गैस के पार्टिकल्स, हम काइनेटिक गैस थ्योरी का एक पोस्टुलेट पढ़ चुके हैं कि गैस के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग स्पीड के साथ मूव करते रहते हैं। तो जब हम स्पीड की बात करते हैं, वी हैव गॉट थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। जो मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं, हम उसको तीन तरीके से, अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, सो आज हमारा टॉपिक यही है, हम यही पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, राइट? डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। जो पार्टिकल्स हैं उनको, उनकी स्पीड को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम यही दिख रहे हैं। थ्री डिफरेंट टाइप्स की हैं। पहली है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सेकेंड आ जाता है एवरेज स्पीड, और थर्ड, जिसको हमने पहले भी मेंशन किया है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, राइट? तो ये थ्री डिफरेंट टाइप्स की मॉलिक्यूलर स्पीड्स हैं। इनको एक एक करके इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। फर्स्ट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, नाम से ही समझ में आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड है वही कंसिडर कर रहे हैं, राइट? सो इट इज व्हाट, इट इज द स्पीड पजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर। ये ध्यान रखिएगा, हम फॉर्मूले में भी देख चुके हैं और मैं आपको दोबारा से याद भी दिलवा रही हूँ कि जो स्पीड है, जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज डिपेंडेंट ओनली अपॉन टेम्परेचर। वो किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। तो जब भी हम स्पीड की बात करेंगे, वील कंसिडर स्पीड एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होते ही स्पीड चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, राइट? सो जब हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज द स्पीड पजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। इसको जब हम फॉर्मूला वाइज डिराइव करते हैं, तो फॉर्मूला आ जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू √2 rt/m। यू नीड टू रिमेम्बर इट, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स, इज √2 rt/m। सेकेंड स्पीड एवरेज स्पीड, ये भी नाम से समझ में आ रही है, एवरेज स्पीड मतलब अगर हम अलग अलग पार्टिकल्स की जो स्पीड है उनका अर्थमेटिक मीन निकाल लें, उनका एवरेज निकाल लें, तो जो भी स्पीड हमें मिलेगी, दैट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। अगेन
एट अ गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर. ठीक है, तो एवरेज स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द अर्थमेटिक मीन, राइट, ऑफ स्पीड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, वेरी इंपॉर्टेंटली एट अ गिवन टेम्परेचर. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अलग अलग पार्टिकल जो है, अलग अलग मॉलिक्यूल जो है, उनकी स्पीड का अगर हम एवरेज निकाल लें, दैट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द गैस. अब सपोज हमें कंसिडर कर लेते हैं कि जो गैस है उसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्टिकल है उसकी स्पीड C1 हो गई, सेकेंड पार्टिकल की स्पीड C2 हो गई, थर्ड की C3 हो गई, ऐसे करके n पार्टिकल्स की स्पीड Cn हो गई. तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे फॉर्मूला वाइज? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन टिल Cn. एवरेज निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से, राइट? सो वील टेक आउट द एवरेज ऑफ ऑल द स्पीड्स. अब या तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये बता दिया जाएगा कि सपोज N1 मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी स्पीड C1 है. अभी तो हमने हर एक पार्टिकल की स्पीड को अलग माना, फर्स्ट पार्टिकल की स्पीड C1 है, सेकेंड पार्टिकल की स्पीड C2 है, थर्ड मॉलिक्यूल थर्ड पार्टिकल की स्पीड क्या है? C3 है. इस तरीके से ये भी हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स की स्पीड कैसी हो? सेम हो, राइट? सो वी आर कंसिडरिंग कि लेट्स से N1 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड क्या है? C1 है. N1 मॉलिक्यूल्स की स्पीड C1, N2 मॉलिक्यूल्स की स्पीड C2, इस तरीके से NN मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या है? CN है. तब हम एवरेज कैसे निकालेंगे? हम एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू C1N1 प्लस C2N2 प्लस C3N3 till CNNN. And to take out the average, divide by the total number, N1 plus N2 plus N3 till N. N number of particles, right? Formula wise, अगर mass के term में, temperature के term में, R के term में अगर average speed को निकालें, जैसे हमने most probable speed निकाली है, कितनी? Under root 2RT by M. वैसे ही हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं. एवरेज स्पीड विल बी अंडर रूट 8RT बाय पाई एम. एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड विल बी अंडर रूट 8RT बाय एम, राइट? चलिए थर्ड काइंड ऑफ स्पीड देख लेते हैं, दैट इज, थोड़ा सा तो पहले ही हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड. रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको हम RMS स्पीड बोल सकते हैं. ठीक है, इट इज व्हाट, नाम से बिल्कुल समझ में आ रहा है. आपने स्पीड लिया, मतलब पार्टिकल्स की स्पीड, उनका स्क्वायर किया, उनका मीन निकाला, उनका रूट निकाल लिया. दैट विल बी द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, राइट? सो इट इज व्हाट, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्पीड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर, राइट? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स की स्पीड को स्क्वायर किया, मीन निकाला और फिर स्क्वायर रूट निकाला. दैट इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस. तो वही एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज
जैसे हमने एवरेज स्पीड में दो केसेस लिए हैं, वैसे यहां पर भी दो केसेस ले लेते हैं। सपोज फर्स्ट पार्टिकल है, उसकी स्पीड c1 है, सेकेंड की स्पीड c2 है, थर्ड की स्पीड c3 है, ऐसे करके cn तक स्पीड है। तो हम RMS कैसे निकालेंगे? RMS स्पीड इज स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर्स, मीन निकालेंगे किसका? स्क्वायर का। तो c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर टिल cn स्क्वायर, और मीन निकाला है डिवाइडेड बाय n, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा केस जैसे हमने एवरेज स्पीड में कंसिडर किया, दूसरा केस वैसे ही हम यहां पर भी दूसरा केस कंसिडर कर सकते हैं। और वो क्या है कि अगर n1 मॉलिक्यूल्स की स्पीड c1 है, n2 मॉलिक्यूल्स की स्पीड c2 है, ऐसे करते हुए बहुत सारे cn nn पार्टिकल्स तक हमने स्पीड cn कंसिडर कर ली, तो हम RMS स्पीड कैसे निकालेंगे? तो सेकेंड केस जो हम ले रहे हैं, लेट्स से n1 पार्टिकल्स है, स्पीड c1 है, n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उनकी स्पीड c2 है। कंसिडरिंग कि जरूरी नहीं है सारे पार्टिकल्स की स्पीड एक दूसरे से डिफरेंट हो, कुछ पार्टिकल्स की स्पीड क्या हो सकती है, किसी और पार्टिकल की बराबर हो सकती है। तो n1 पार्टिकल्स की स्पीड c1 है, n2 पार्टिकल्स की स्पीड c2 है, n3 पार्टिकल्स की स्पीड c3 है, इस तरीके से n n पार्टिकल्स की स्पीड क्या है? cn, राइट? तब हम कैसे निकालेंगे RMS स्पीड? RMS स्पीड इज इक्वल टू, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा c1 स्क्वायर n1, स्पीड का तो स्क्वायर लेना ही है, c2 स्क्वायर n2, c3 स्क्वायर n3, एंड सो ऑन टिल cn स्क्वायर nn अपॉन द टोटल नंबर, यानी n1 प्लस n2 प्लस n3 टिल nn, राइट? तो स्क्वायर किया, स्पीड का एवरेज निकाला है हमने, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, राइट? और ये यहां पर बेटर है, हम ये पूरा